नामचीन साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर की 111वीं जयंती पूर्णिया के कृष्ण सेवा सदन में साहित्यकारों ने भव्य आयोजन के साथ मनाया। आयोजन की अध्यक्षता बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष भोलानाथ आलोक ने की। वहीं इस दरमियान बड़ी संख्या में पूर्णिया के नामचीन साहित्यकारों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को याद किया। रामधारी सिंह दिनकर अगर हिंदी को जनमानस के जन चरणों का प्रिय बनाने के लिए किसी एक दो लोगों का नाम लिया जाए तो हरिवंश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर, ये दो कवि हैं स्वाधीनता आंदोलन के समय से लेकर स्वाधीनता के बाद उन्होंने हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए शब्दों की जिस सहजता के साथ भावना के साथ प्रयोग किया उस पर हिंदी को नई ऊंचाई दी। और आप देखेंगे इस देश की जो भी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई हैं उस क्रांति को स्वर देने का काम रामधारी सिंह दिनकर ने किया। दिनकर का जब सवाल आता है, दिनकर को जब हम गिने लगते हैं, जयंतियाँ मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, एहन में बार बार यह थी उनकी, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कही थी, सीढ़ी से उतर रहे थे, जवाहरलाल जी लड़खड़ाए, दिनकर जी ने अपनी पाँव फेटा कर नेहरू को दिया और जवाहरलाल जी के धन्यवाद कहने पर दिनकर ने कहा था कि राजनीति जब लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे थाम लेता है, साहित्य उसे थाम लेता है। दुर्भाग्य है कि क्रिकेट खेलने वाले भारत रत्न हो जाते हैं, सिनेमा के कुछ लोग उसी जगह पर चले जाते हैं, भारत रत्न हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्र कवि दिनकर के साथ और हिंदी वालों के साथ सरकारों ने बहुत बेइंसाफी की है, राष्ट्र कवि को भारत रत्न नहीं दिया गया। मैंने देखा है उनकी बड़े लोगों की स्मृति में स्मृति सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के चलाए जाते हैं, दिनकर के नाम पर कोई सिक्का नहीं है, कोई डाक टिकट नहीं है। हम बुलंदी के साथ इस मंच से सरकार से मांग करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को भारत की उपाधि जाए और सिक्के पर और स्टाम्प पर, पोस्टेज स्टाम्प पर उनकी तस्वीर छपनी चाहिए।